शख्सियत रूह और जिस्म से अलग एक हस्ती है। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उस इंसान की रूह है और उसका एक जिस्म है, मगर जिसकी रूह और जिस्म है वो इंसान है, कोई तीसरा वजूद, जिस वजूद के दो जुज रूह और जिस्म है, यानी वो अपनी असल में कोई और मौजूद है जिसे हम जिस्म या रूह से मुखातिब कर रहे हैं। उसकी असल हस्ती उसकी रूह और जिस्म के पीछे पोशीदा है, उसके ही जिस्म और रूह में छुपी हुई है, और जो छुपा हुआ है वही असल इंसान है। असल इंसान वो रूह है जो ना मर्द है ना औरत है, दुनिया में आने से पहले भी वो अपनी असल में मौजूद है और दुनिया से जाने के बाद भी वो अपनी असल शक्ल में लौटेगा। यहाँ दुनिया में उसको मर्द या औरत के लिबास में उतारा जाता है अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ और आजमाइश देने के लिए। तो अल्लाह पाक ने एक ही नफ्स से फिर उसका जोड़ा बनाया, क्योंकि उसी जोड़े से दुनिया की ये बस्ती इंसानों की आबाद करना थी। इंसान को बनाया, उसमें अपनी रूह में से फूका, तो जब अल्लाह पाक ने इंसान में अपनी रूह में से फूका तो तब सारे फरिश्ते ताज़ीम में झुक गए। ताज़ीम हुई क्योंकि वहाँ खुदाई निशान मौजूद था। इंसान को अजमत मिली क्योंकि उसमें जो शय शामिल हुई उसने उसे ये रुतबा दिलवा दिया कि फरिश्तों ने ताज़ीमी सजदा दे दिया। जब तक वह सिर्फ एक इंसान था, महज मट्टी से बना, नफ्स से बना, जान से बना, तब तक वो एक आम मखलूक था, मगर जैसे ही उसके बातिन पे अल्लाह की रूह के एक साए की तजल्ली पड़ी तो फरिश्ते उसके सामने झुक गए। उस तजल्ली के सामने झुक गए फिर इंसान इंसान बना। सूरह स्वाद आयत 72। फिर जब मैं इसे पूरे तौर पर बना लूं और इसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो इसके लिए सजदा में गिर पड़ना। सूरतुल हिजर आयत 15। फिर जब मैं इसे ठीक बना लूं और इसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदा में गिर पड़ना। ये अल्लाह पाक का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ठीक बनाना, पूरा बनाना, मुकम्मल बना देने से क्या मुराद थी, यानी इस अज़ल से अबद तक जितने इंसान दुनिया में आने हैं वो सब उनमें मौजूद। जितना भी इल्म इंसान को दुनिया और कायनात के हवाले से देना था सब मौजूद, वो सब इल्म उनमें मौजूद। बड़ी लंबी फहरिस्त है, लोगों के रंग, लोगों की कौमें, उनकी नस्लें, उनकी ज़ुबानें, तालीम, कैफियत, तबीयतें, रुझान, नस्लें, आदतें, सब जो इंसान में मौजूद हैं वो सब शामिल कर दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में। दुनिया और कायनात के हवाले से सारी मालूमात, सारा मटेरियल जमा हो गया क़यामत आने तक, आखिरी बंदे तक, सब कुछ, टोटल इंसान की नफ्सियात, शऊर, लाशऊर, तहतल शऊर, जान, सब पड़ गई। तो अभी तक वो ताज़ीम में नहीं थे, फिर जैसे ही एक तजल्ली उन पे उनके रब की जानिब से पड़ी तो फरिश्ते झुक गए उस तजल्ली के सामने। आज भी फरिश्ते झुकते हैं, आज भी ताज़ीम करते हैं उस इंसान की जिसके दिल में अल्लाह का नूर होता है, वो तजल्ली होती है, ज़िक्र होता है, फ़िक्र होता है। जो दिल अल्लाह की याद से जुड़ा होता है उसको फरिश्ते आज भी ताज़ीम दे रहे हैं। फ़कत इंसान को उसके जिस्म के साथ ताज़ीम नहीं, अगर वो दरिंदा है, जाहिल है, ला इल्म है, नफ्सी बंदा है, ख्वाहिशात का मारा है, तो वह महज एक जानवर है। इंसान तब बनता है जब उसमें वही तजल्ली, वही नूर की शुआ जो नफ्स के नीचे कहीं छुप चुकी है वो बाहर नमूदार होने लगे, नज़र आने लगे, और वो तभी दिखती है जब अल्लाह दिल में मौजूद हो। ये तजल्ली क्या है? ये इंसान में मौजूद अल्लाह का फैज है जो उसमें जारी हुआ जब अल्लाह ने उसमें अपनी रूह से फूंक दिया। फरिश्ते झुक गए और फिर रब ने
और फिर रब ने पूछा अपने तमाम बंदों से कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने कहा कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। तो सब ने कहा तो ये फैज़ क्या होता है? कहते हो ना कि फलां वली फलां अल्लाह के बंदे का फैज़ है, ये फैज़ क्या है? पीर और मुरीद के दरमियान, मिसाल के तौर पे पीर और मुरीद के दरमियान के पीर ने जो बताया जो सिखाया उस पे खलूस के साथ यकीन के साथ मुरीद ने अमल किया तो उसकी शख्सियत बदल गई। पीर पे यकीन किया, पीर के हुक्म के असरात फिर मुरीद में दिखने लगे, उसके हाल अहवाल दुरुस्त होने लगे, दिल मुतमईन हो जाए दुनिया की ख्वाहिशात से। तो अल्लाह का फैज़ इंसान में जारी हो जाता है जब इंसान अपने अल्लाह की जानिब रजू कर लेता है। उस इंसान के हालात बदल जाते हैं, उसकी सोच फिर फर्श से उठकर अर्श तक परवाज करती है, इस कायनात से इस पहले आसमान से बाहर निकल जाती है और फिर कैफियत ही बदल जाती हैं। याद रखना कि दुनिया में इंसान तब तक तन्हा है जब तक याद इलाही से दूर है। हर बंदा दुनिया के मेले में तन्हा है, मगर जब उसकी याद रब ताला से जुड़ जाती है तो वो तन्हा नहीं रहता, उसकी तन्हाई में असल मेले लग जाते हैं जो उसकी तवज्जो दुनिया से हटा देते हैं। और ये वो मेले हैं जो कभी इंसान को तन्हा नहीं रहने देते, कि कहाँ ये असल महफिलें जिसमें मलकूती कैफियत हैं। याद रखना कि दुनिया में इंसान तब तक तन्हा है जब तक याद इलाही से दूर है। हर बंदा दुनिया के मेले में तन्हा है, मगर जब उसकी याद रब ताला से जुड़ जाती है तो वह तन्हा नहीं रहता, उसकी तन्हाई में असल मेले लग जाते हैं जो उसकी तवज्जो दुनिया से हटा देते हैं। और कहाँ ये दुनिया जो अब मक्खी के पर के बराबर भी नज़र नहीं आती, कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये अल्लाह का फैज़ है, यही अल्लाह का फैज़ है। ये अल्लाह का फैज़ कैसे मिलता है? उसी के कलाम से, उसकी शयान शान कलाम जो उसने फरमाया, यही चाबी है इस फैज़ के ख़जाने की। और जब ये चाबी खुल जाती है ना, तो अल्लाह के वली अल्लाह के रसूल अल्लाह के तमाम अंबिया तमाम नेक इंसान तमाम सालह इंसान इन रास्तों में नज़र आने लगते हैं, रूहों की मुलाकातें होने लगती हैं किसी और ही जहान में, क्योंकि सफ़र एक हो गया, वो रास्ता मिल गया जो वलियों का है। जब अल्लाह का फैज़ मिल गया तो इंसान में जो फूका गया अल्लाह की रूह से, वो अल्लाह का फैज़ है, वही अल्लाह का फैज़ है जो आज भी इंसान में मौजूद है। बस तुझे उस फैज़ तक वापस लौटना है, अपने फैज़ को हासिल करना है, उसमें से हिस्सा लेना है ताकि असल रास्ता पा ले। तो सबका भला सबकी खैर, फी अमानुल्लाह।